हेलो दोस्तों, टर्नर वायरिंग कैसे होता है उसके बारे में आपको हम आज बताने जा रहे हैं, और डायोग्राम पहले बना के आपको हम दिखाने जा रहे हैं, उसके बाद उसका कनेक्शन करके हम आपको दिखाएंगे। हेलो दोस्तों, आज हम आप लोग को बताने जाने हैं टर्न वायरिंग कैसे किया जाता है। इसका पहले हम डायोग्राम आपको बना के दिखाते हैं, उसके बाद फिर इसका हम आपको कनेक्शन करके दिखाएंगे। देखिए, इसमें आपको टू वे स्विच लगेगा, इसमें आपको चार पीस टू वे स्विच लगेगा। इसमें थ्री पॉइंट रहता है, ये हमारा टू वे स्विच हो गया चार पे। इसमें तीन बल्ब लगेगा, इसमें न्यूट्रल लाइन, ये जो ऊपर वाला पॉइंट रहेगा इसमें सब में न्यूट्रल जाएगा। और नीचे वाला जो भी पॉइंट है, नीचे वाला पॉइंट में आपका लाइन जाएगा। टर्नर में जो रेलवे फाटक होता है, जो टर्नल होता है पहाड़ में, उसमें ये यूज करने के लिए टर्नर वायरिंग होता है। और इसमें ये इस जो पॉइंट है, ये पॉइंट से तुम आपका लाइन निकलेगा और ये सीधे बल्ब में चला जाएगा, और जो दूसरा पॉइंट है बल्ब का वो इसमें आ जाएगा, टू वे स्विच के दूसरा वाला पॉइंट में, ठीक है। और इस पॉइंट से फिर एक निकलेगा से यहाँ बल्ब का, इस सिरा में चले जाएगा, और ए वाला पॉइंट फिर इसमें टू वे स्विच में आ जाएगा, और फिर यहाँ से निकलेगा जो पॉइंट वो सीधे बल्ब में चला जाएगा, और जो ए पॉइंट बचा ये सीधे टू वे स्विच में पिछले टर्न में, मतलब कॉमन में चला जाएगा। यहाँ से न्यूट्रल इन किया, सब सब आपस में कॉमन हो गया, और नीचे लाइन जो है सो सब में कॉमन हो गया, और जो बीच वाला कॉमन पॉइंट है टू वे स्विच का बीच वाला कॉमन पॉइंट, उसे टर्न जो करंट निकला बल्ब का स्विच का वो सीधे इसमें चला गया, और इसका पॉइंट से इसमें से आया सो टू वे स्विच के डिस कॉमन वाला में पॉइंट में चला गया। अब इसको हम आपको, ये तो अभी हम आपको डायोग्राम बना के दिखा दिए ड्राइंग, कि इस तरह से टर्नर वायरिंग होता है। अब इसको हम प्रैक्टिकल करके आपको दिखाते हैं। देखिए, ये टू वे स्विच है, इसमें थ्री पॉइंट रहता है,
वही चीज़ है जो बीच वाला है जो एक कॉमन रहता है, और इस इधर लाइन और इधर लाइन आप यूज कर सकते हैं न्यूट्रल और फेज को, ठीक है। अब इसको हम वायरिंग आपको मतलब कनेक्शन करके आपको हम दिखा रहे हैं कि इसका कनेक्शन कैसे होता है। जैसे आपको हम आप डायोग्राम में आपको हम दिखाए थे कि इसमें चार ट्यूबे स्विच, तीन पीस होल्डर, तीन पीस सॉकेट और तीन एलईडी बल्ब, तीन बल्ब का हमको जरूरी है। अब इसका हम कनेक्शन आपको करके दिखाएंगे कि इसका कनेक्शन कैसे होता है। ये जो ऊपर वाला पॉइंट है इस सब में आपका न्यूट्रल चला जाएगा, और नीचे वाला जो भी पॉइंट है उसमें आपको लाइन चला जाएगा। और इसका जो दिखाए थे आपको डायोग्राम में, इसमें डबल जो कनेक्शन आएगा वो कॉमन में चला जाएगा और कॉमन में चला जाएगा, दोनों कॉमन में सीरीज होके इस तरह से चलेगा। अब हम आपको कनेक्शन इसका करके आपको हम दिखा रहे हैं कि इसका कनेक्शन कैसे होता है। डायोग्राम में तो आपको हम बता दिए हैं, अब इसका हम कनेक्शन करके आपको दिखाते हैं कि इस कैसे जलेगा और कैसे वर्क करता है। आइए कनेक्शन करते हैं। इसका कनेक्शन कर रहे हैं, देखिए
ये तो हमारा बल्ब का कनेक्शन हो गया है, अब इसमें हम स्विच में इसका टू वे स्विच में कनेक्शन करेंगे। अब टू वे स्विच का कनेक्शन पहले कर लेते हैं। देखिए इस वाला पॉइंट जो ऊपर वाला पॉइंट है स्विच का, इसमें न्यूट्रल जाएगा। ऐसे इसमें कितनों भी स्विच आप बढ़ा सकते हैं, 4 गो, 5 गो, 10 गो, 15 गो बल्ब भी बढ़ा सकते हैं। अभी हम मात्र 3 गो करके 3 बल्ब जला के दिखा रहे हैं, जा रहे हैं आपको। उसके बाद फिर आपको हम दिखाएंगे, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको हम 10 बल्ब 12 बल्ब को कनेक्शन टू वे स्विच से करके दिखाएंगे। ये ऊपर वाले भाग में सब में न्यूट्रल चल गया। अब हम इसमें लाइन डालेंगे। और नीचे वाला जो पॉइंट है इसमें हम लोग फेस डालेंगे, जैसे हम लोग आपको दिखाए थे डायोग्राम बना के, उसमें जैसे डाला हुआ था।
ये तो हमारा स्विच का देखिए कनेक्शन हो गया, देखिए ये हमारा न्यूट्रल फेज, न्यूट्रल फेज, न्यूट्रल फेज, न्यूट्रल फेज। अब इसका जो भी कॉमन पॉइंट है, तीसरा जो पॉइंट है बीच में कॉमन टू वे स्विच का, उसमें से इसका बल्ब का कनेक्शन इसमें करेंगे। देखिए और इस ई पॉइंट और ए बल्ब का पॉइंट दोनों को कॉमन आपस में कर लेंगे, सीरीज कर लेंगे। अब इस वाले पॉइंट और इस वाला पॉइंट को आपस में सीरीज कर ले रहे हैं। अब जो मेरा ए पॉइंट बच गया बल्ब का, वो टू वे स्विच का एक लास्ट वाला जो स्विच है उसमें हम दे देंगे इसका कनेक्शन। देखिए इसका जो बल्ब होल्डर का पॉइंट है इसमें एक कॉमन कर दिए बीच में, जो कॉमन वाला पॉइंट में ऊपर में न्यूट्रल चला गया, नीचे फेज चला गया, यहाँ से कॉमन और इस पॉइंट बल्ब का होल्डर का और इस बल्ब का होल्डर को आपस में सीरीज करके कॉमन पॉइंट में दे दिए। और फिर इस इसका कॉमन होल्डर का और इसका सीरीज करके के यहाँ कॉमन कॉमन वाला पॉइंट में दे दिए और वेट लास्ट स्विच में इसका इंडिकेट कर दिए। अब इसमें मेरा बस एक कनेक्शन और रह गया है, इसमें अब हमको फेज 220 वोल्ट फेज और न्यूट्रल मेन सप्लाई लाइन इसमें देके हम आपको चेक करके दिखाते हैं। इसको टर्नल वायरिंग कहते हैं, जो ट्रेन जो गुफा होता है ट्रेन में जहाँ पे पहाड़ काट के किया जाता है वहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें हम लाइन देके चेक करते हैं कि मेरा कनेक्शन सही है या नहीं। अब इसमें हम लाइन देते हैं, लाइन देके चेक करते हैं इसके इसको सही है कि नहीं। देखिए अब मेरा इसमें अब लाइन आ गया है, अब इसको हम जला के चेक करते हैं। देखिए हमारा वर्किंग कर रहा है, अब आगे बढ़ेंगे तो ए जलेगा, ठीक है, फिर उसके आगे बढ़ेंगे तो ए जल जाएगा और यहाँ से बुताएंगे तो बुझ जाएगा, ठीक है, और फिर यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं तो ए जल जाएगा, आगे आएंगे यहाँ पे ये नेक्स्ट
अति में तो ए जल जाएगा, और फिर इसके नेक्स्ट आएंगे तो ए जल जाएगा बल्ब, और फिर इसको अगर हम बुताएंगे तो बंद हो जाएगा। इसी तरह से हमारा टर्नर वायरिंग होता है। इसमें आपको हम कनेक्शन समझा दिए हैं कि देखिए इसमें नीचे जो भी पॉइंट है, नीचे वाला में फेज है, इसमें से फेज इसमें 220 वोल्ट न्यूट्रल फेस आया है और ऊपर में न्यूट्रल आया है और बीच में कॉमन है, कॉमन से हम लोग बॉल का कनेक्शन कर लिए हैं। और इससे देखिए यहाँ पे वापस दोनों होल्डर का हम लोग तार, ये तार को सीरीज यहाँ पे कर लिए हैं, सीरीज करके इसमें कर दिए हैं। और फिर इसके बाद यहाँ पर आए तीसरा टू वे स्विच में, तो इसमें उसी तरह से कनेक्शन मैंने किया है जैसे आपको हम डायोग्राम में आपको हम करके दिखाए थे। इसी तरह से टर्नर बाइंडिंग वायरिंग होता है। देखिए ए जलाएं तो ए जल गया, ठीक है, उसके बाद आगे नेक्स्ट बढ़े तो ए जल गया, ठीक है, और नेक्स्ट इसके आगे बढ़े टू वे स्विच के तो ए जल जाएगा और यहाँ पे आएंगे तो ए बुझ जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ से अगर हम स्टार्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए हम कहीं पे जा रहे हैं, स्टार्टिंग जैसे इन की है, ठीक है, देखिए जैसे हम इन किए, ठीक है, यहाँ से हम इन किए तो ये हमारा फर्स्ट बल्ब जल गया, उसके आगे बढ़े तो हमको दूसरा बल्ब जलाना हो, कुछ दूरी पे रहेगा तो इसको हम जलाएंगे तो वो नेक्स्ट बल्ब जल जाएगा, उसके आगे बढ़ेंगे तो ये जल जाएगा, और हमको बाहर जब उसके बाहर निकल जाएंगे तो इसको हम बुता देंगे तो बुझ जाएगा। अगर फिर से हम वहाँ से एंट्री करते हैं तो यहाँ से जलाएंगे तो ये जल जाएगा, फिर ये जल जाएगा, फिर बुझ जाएगा तो ये जल जाएगा, और यहाँ लास्ट में जब आएंगे हम जब बाहर निकल जाएंगे तो फिर ये पूरा बल्ब सर्किट बंद हो जाएगा। इसी तरह से टर्नर वायरिंग होता है। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स।